नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश बहुत सारा वीडियो इस बीच में बना भैरव बाबा का कहना है भाई हम पे भी वीडियो बनाओ। तो लोग आ गए भैरव बाबा के लिए वीडियो लेकर भैरव एक ऐसे देव हैं जो कि कलयुग में विचरते हैं कलयुग में मैंने पहले भी बोला है कि जो देवता पहले रह चुके हैं दूसरे कालखंडों में और जो कलयुग के देवता हैं वो अलग हैं मतलब देवता वही है लेकिन उनका रूप अलग है प्रारूप अलग है स्वभाव अलग है खान पान अलग है तो आप इस काल के देवता का जब पूजा करते हैं तो आपको लाभ ज़्यादा और जल्दी मिलता है तो हमारे इस काल के जो देवता हैं उसमें एक है भैरव काल भैरव आप सभी जानते हैं कि महादेव के रूप है इन्होंने ब्रह्मा का सर काटा था क्योंकि ब्रह्मा अपने को महादेव से बड़ा बता रहे थे और फिर ब्रह्म हत्या के आरोप में ये आजीवन घूमते रहे और अंत में आकर के इन्होंने भिक्षाटन किया और भिक्षाटन करके फिर बनारस में बैठे तो बनारस के कोतवाल कहलाए आज मैं आपको माँ भगवती के सुपुत्र भी कहे जाते हैं कालीपूत काल प्रचंड <laughs> ग्रुप ना है तो माँ का दूध विसारा तो काल भैरव जी का जो बीज मंत्र है वो एकाक्षरी है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ठीक है देखिए भैरव जी का अगर आप एकाक्षर करना चाह रहे हैं तो इसमें एकाक्षरी जो मंत्र होता है वो साबर से अलग होता है ठीक तो कायदा ये है कि अगर आपको एकाक्षरी मंत्र करना है तो आजीवन में उसका चौबीस लाख जाप होना चाहिए एक अक्षर का किसी भी संस्कृत का अगर एक बीज आप लेते हैं एक अक्षरी है तो चौबीस लाख उसका जाप होगा द्वै अक्षरी है तो फोर्टी एट लाख ऐसे ही करके अलग अलग मंत्रों के जितने अक्षर होंगे उतना लाख उसका जाप होता है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि भैरव जी का जो बीज मंत्र है वो एक अक्षर ही है तो इसको पूरे जीवन में आपको एक लाख जाप करना है सॉरी uh, एक लाख बोल रहा हूँ मैं चौबीस लाख जाप करना है लेकिन जब आप पहली बार सिद्ध कर रहे हैं इसको और आपको इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना है या फिर इसको आगे तंत्र प्रयोग करना है तो पहली बार में इसको चार लाख जाप करना देखिए एक आक्षरी मंत्र को चार लाख जाप करना बहुत बड़ा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बहुत मेहनत का कार्य नहीं है तो इस मंत्र को सिद्ध कैसे करते हैं सबसे पहले तो भैरव जी की एक तस्वीर रखें आप अपने पास या अगर आपके पास मूर्ति है या फिर आपने मंदिर स्थापित करके रखा है तो उसको रखें चमेली का तेल रखें चमेली का इत्र रखें सरसों का तेल रखें गूगल का धूप रखें ठीक है इतना सामान आपको लगेगा पहले दिन आप संकल्प कर ले भैरव बाबा के सामने कि मैं अगले 21 दिन में या 11 दिन में ये आप पे है कि आप कितना समय साधना को दे सकते हैं इतने दिनों में बीज मंत्र का 24 चार लाख जाप करूंगा मेरी माने तो अगर आप चलते फिरते भी करना चाहते हैं तो उसको 21 दिन का लेना चाहिए 11 दिन थोड़ा साधकों के लिए होता है 11 दिन में भी लेकिन चार लाख मंत्र इसका किया जा सकता है तो जो 21 दिन होगा 21 दिन रोज बाबा को आप भोग दें ठीक है भोग में बाबा को कोई मिठाई विठाई तो उतना चढ़ता ही नहीं है ये इमरतियाँ चढ़ती हैं या जलेबियाँ चढ़ती हैं इसके अलावा दही बड़ा चढ़ता है खिचड़ी चढ़ता है पापड़ बाबा को बहुत पसंद है तो इस तरह का जो डेली यूज़ का जो खाते हैं वही सब बाबा को चढ़ता है इसके अलावा कारण चढ़ाएं शराब चढ़ाएं बाबा को या फिर शराब अगर नहीं पीते हैं वैष्णवी हैं तो गुड़ का पानी पिलाएं मतलब लेकिन कुछ ज़रूर साथ में दें चाहे शरबत दें आप गुड़ का या कारण दें वो ज़रूर दें उसके बाद आप जिस क्षण से आपने ये प्रतिज्ञा लिया कि आप एकाक्षरी मंत्र का चार लाख जाप करेंगे उस छंद से दिया नहीं पूछना चाहिए दो दिया रखेंगे आप एक लेफ्ट में एक राइट में लेफ्ट में जो दिया रखेंगे उसमें मतलब आपके लेफ्ट में जो दिया रहेगा उसमें सरसों तेल का अखंड दिया जाएगा और जो आपके राइट में रहेगा मतलब बाबा के लेफ्ट में रहेगा उसमें चमेली के तेल का अखंड दिया चलेगा ठीक है अगरबत्ती व नहीं जलाइएगा सिर्फ जब आप पूजा करिएगा उस समय गूगल जो कहते हैं हर जगह अलग अलग कहते हैं हमारे बिहारी में गूगल कहते हैं तो गूगल का आप उनको धूप दीजिएगा ठीक है इसके अलावा बाबा को को जो भी वस्त्र आप पहनाइएगा उसमें चमेली का तेल का इत्र लगा के रखना है ठीक है तो एक आक्षरी मंत्र है मंत्र है भ्रम 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 मतलब मैं एक माला इसका बीस इक्कीस सेकेंड में मार देता हूँ एक मिनट बहुत अगर आराम से किया तो एक मिनट पे अगर काले हकीक का माला है आपके पास तो काला हकीक का माला में इसका जाप करना चाहिए ये बहुत उत्तम होता है अगर काला हकीक नहीं है तो रुद्राक्ष में आप इसका जाप करें दूसरा भैरव बाबा का जाप कोशिश करना चाहिए कि आप काला लंगोटा पहन के करें उससे भैरव बाबा प्रसन्न होता है तो काला लंगोट पहनिए और उसका संकल्प लीजिए और संकल्प में एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग संकल्प लेते हैं यही स्थान और इसी समय में मैं करूँगा इससे हानि होती है जो सांसारिक लोग हैं आप लोग इसको ऐसा संकल्प लें कि कभी भी जहाँ भी रहूँगा मैं आपका ये जाप पूर्ण करूँगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप हैंडबुक ऑफ पैर नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजोन से खरीदें मुझसे बात करना है तो आसमी फॉर ऐप डाउनलोड करें रुद्रनाथ सर्च करें आप मुझसे डायरेक्ट फोन पे बात करके सलाह मशवरा ले सकते हैं इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करें आज के लिए इतना ही आप सभी को अलग आदेश